असलम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज मैं बताऊंगा आपको कि डीपीसी के ऊपर बिचुमिन किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसके ऊपर पॉलीथीन किस तरह बिछाई जाती है। तो इस हवाले से मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिचुमिन की लेयर बिछा दी गई है, हॉट बिचुमिन की दो लेयर इस्तेमाल की गई है ब्रश की मदद से। ठीक है, ये 9 इंच की डीपीसी है और इसके ऊपर बिचुमिन इस्तेमाल की गई है दो कोट के साथ। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं किस तरह है, क्योंकि ये ओरिजिनल बिचुमिन थी, कोई फेक वगैरह नहीं थी। ये इसकी बाल्टी है, ये बिचुमिन। और ये 500 गेज का पॉलीथीन है। ये पहले सिंगल डीपीसी बनाई जा रही है, इसके बाद डबल डीपीसी आएगी चुनाई लगा के। तो ये सिंगल डीपीसी के ऊपर चुनाई लग रही है और इसके बाद फिर दूसरी डीपीसी आएगी। ये पहली डीपीसी बना ली गई है, 10 मरला का घर है ये, डबल डी ब्लॉक का। ये ताज़ा डीपीसी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये जो जहाँ जहाँ हमने बिचुमिन की है, ये पहले की कल की बनाई हुई थी डीपीसी, ये फ्रेश डीपीसी के ऊपर नहीं करना। ये पूरा रोल पड़ा है, ये पहली डीपीसी के ऊपर भी पॉलीथीन की ज़रूरत है और दूसरी डीपीसी के ऊपर भी ज़रूरत है। ये आप इसकी गेज चेक करें किस तरह, ये पॉलीथीन की गेज है, ये काफ़ी थिकनेस में है। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि पॉलीथीन किसे तो ज्वाइंट आ जाता है और पॉलीथीन नहीं लगाना चाहिए, तो पॉलीथीन हमें लाजमी लगाना चाहिए। ये पॉलीथीन लेयर ये बिचुमिन के ऊपर हमें लाजमी फौरन ही पॉलीथीन लगा देना चाहिए ताकि उसका जॉइंट बन सके। डीपीसी बनाने के बाद हमें मिनिमम उसे एक दिन का टाइम लाजमी देना चाहिए बिचुमिन करने।